कोविड की चपेट में आने के बाद बाल बाल बचे दीपू अब सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं। ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस के बारे में ढूंढते ही उनके मोबाइल पर दे दनादन मैसेज और कॉल्स की बाढ़ आ गई। ज्यादातर कंपनियां दीपू को 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस खरीदने की सलाह दे रही हैं। यह 1 करोड़ की राशि दीपू की जरूरत से नहीं बल्कि बीमा कंपनियों के मार्केटिंग फंडे की उपज है। बड़ा सवाल ये कि क्या दीपू के लिए 1 करोड़ का बीमा पर्याप्त है। सिर्फ दीपू ही नहीं, तमाम बीमा खरीदार इस सवाल के जवाब को ढूंढ नहीं पाते कि कितनी राशि का टर्म इंश्योरेंस उनके लिए बहुत रहेगा। दूसरे शब्दों में समझें तो किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार के सदस्य सभी जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर कितने रुपए में वर्तमान जैसा जीवन यापन कर पाएंगे। ध्यान रहे कि टर्म इंश्योरेंस खरीदते वक्त दरअसल आप अपने जीवन का मूल्य लगा रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी ने बताया कि बीमा कवर कितना होना चाहिए, इसका आकलन 3 तरह से किया जाता है। पहला, वास्तविक जरूरत। दूसरा, भविष्य के लिए वित्तीय लक्ष्य। और तीसरा, सालाना आय। तो कितना होना चाहिए कवर? अब बात क्योंकि दीपू की चल रही है तो सबसे पहले दीपू की जरूरतों को समझें। 35 साल के दीपू के परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। उन पर 30 लाख रुपए का होम लोन है और घर के महीने का खर्च 30,000 रुपए है। ऐसे में उनके न रहने पर परिवार को इतना पैसा मिल जाना चाहिए जिससे कर्ज भी चुक जाए और घर का खर्च भी चलता रहे। पहली स्थिति। सोलंकी जोड़कर बताते हैं कि दीपू को करीब 80 लाख रुपए का बीमा कवर लेना चाहिए। होम लोन चुकाने के बाद परिवार के पास 50 लाख रुपए बच जाएंगे। इसे किसी रेगुलर इनकम प्लान में निवेश करने पर 30,000 रुपए की मासिक आय हो सकती है। दूसरी स्थिति। चूंकि दीपू के 2 बच्चे भी हैं तो महीने के खर्च में दोनों की फीस आदि को भी जोड़ना होगा। इनकी उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने 25-25 लाख रुपए का खर्च निर्धारित किया है। जाहिर है कवर में इस राशि को भी शामिल करना होगा। इस तरह दीपू को 1.3 करोड़ रुपए का टर्म बीमा कवर लेना चाहिए। तीसरी स्थिति। फिलहाल उनका सालाना पैकेज 10 लाख रुपए है तो इसके आधार पर कम से कम 15 गुना यानी 1.5 करोड़ रुपए का कवर लेना चाहिए। कितना देना होगा प्रीमियम? आपको यहां समझना होगा कि कितनी राशि के बीमा कवर पर आपको कितना प्रीमियम देना होगा। उदाहरण के तौर पर दीपू की उम्र 35 साल है और 60 साल की उम्र तक अगर वो 80 लाख रुपए का बीमा कवर लेते हैं तो उन्हें 13,000 रुपए का प्रीमियम देना होगा। वहीं 1.3 करोड़ के बीमा कवर पर उन्हें 17,000 और 1.5 करोड़ के बीमा कवर पर 20,000 रुपए का प्रीमियम देना होगा। मनी9 की सलाह। टर्म इंश्योरेंस की राशि वास्तविक खर्च, भविष्य की जरूरतें और सालाना पैकेज के आधार पर तय करें। भविष्य की जरूरतों का आकलन करते समय महंगाई का भी ख्याल रखें। देश में उच्च शिक्षा का औसत खर्च सालाना 8% की दर से बढ़ रहा है। अगर बच्चे को बीटेक कराने की योजना है तो इसका मौजूदा खर्च करीब 10 लाख रुपए है तो 10 साल बाद इसके लिए 21.58 लाख रुपए की जरूरत होगी। ऐसे में महंगाई को कवर करने के लिए जैसे जैसे आपकी सालाना आय बढ़ती जाए उसी अनुपात में टर्म बीमा कवर को बढ़ाते जाएं। और चलते चलते टर्म इंश्योरेंस कंपनियों के 1 करोड़ कवर के चक्कर में न फंस जाएं। कितना सच है 500 रुपए में 1 करोड़ के टर्म प्लान का ऑफर? इसके लिए देखिए जागते रहो।